गुड आफ्टरनून नमस्कार जय हिंद मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सेवन पर दोस्तों जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है है जैसा आपको पता कि आज इंडियन आर्मी डे है है ना तो सबसे पहले थोड़ा सा इसी चीज पे मैं बात करूं कि आज इंडियन आर्मी डे का दिन है और इंडियन आर्मी डे अपने डिफेंस अगर हम बात करें जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है सारी चीजें सो सबको पता होगा कि 15 जनवरी यानी कि इंडियन आर्मी डे होता है तो उसके उपलक्ष्य में कुछ लाइन्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों मैंने लिखी थी और आगे मैं आपको बताऊंगा किस पर आपको अड्डा टू फोर सेवन कैसे इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट कर रहा है तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अरे यूं ही नहीं मेरे देश की हर बात बड़ी होती है अरे यूं ही नहीं मेरे देश की हर बात बड़ी होती है हर दिल में यहां भारत माता की तस्वीर जड़ी होती है और हमारा दुश्मन है पड़ोसी फिर भी सोते हैं चैन से क्योंकि सीमा पर सीनाता ने इंडियन आर्मी खड़ी होती है और उस इंडियन आर्मी की वजह से आ, कितनी बार हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितनी कितनी बड़ी परेशानियां आती हैं और सिर्फ इंडियन आर्मी वही उनको निपटा के बाहर से बाहर ही भगा देता है और हम लोग अंदर आदि चीजों का हमें पता भी नहीं चल पाता हम लोग अपने फेस्टिवल्स में अपने सारी खुशियों में लगे होते हैं और वो लोग हमारे लिए वहां डटे होते हैं तो वाकई में एक सैल्यूट का विषय है मेरे दोस्त हमेशा से अः रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा अगर किसी की आती है अः कास्ट रिलीजियस मतलब हर किसी से बढ़ जो चीज आपके लिए हो जाती है जब देश की बात आती है तो इंडियन आर्मी याद आती है है ना तो बिल्कुल तो एक बार सबको यार इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से जय हिंद पूरे डिफेंस अड्डा के परिवार की तरफ से सैल्यूट है और होप्स हो कि आप सारे लोग भी उस चीज में कहीं ना कहीं साथ होंगे इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए हमेशा से आ, चलते हैं अब आगे और मैं आपको बता दूं कि आ, थोड़ी सी चीज इंडिया आर्मी डे स्पेशल है तो आज मैं सेशन भी लेकर आया हूं कि आ, आर्मी डे पर ही सेशन मैं लेकर आया हूं तो इस पर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो एक छोटी सी चीज ये कि इंडियन आर्मी डे के दिन आज अड्डा टू फोर सेवन आप सबको डिफेंस का जो महापैक है ओनली डिफेंस महापैक की बात कर रहा हूं जो डिफेंस का महापैक है वो लोएस्ट प्राइस एवर मतलब आज तक के इतिहास के सबसे कम प्राइस में आपको दे रहा है आज के दिन अगर आप महापेक लेते हो वन ईयर के लिए वन ईयर के लिए अगर आप महापेक लेते हो मतलब मंथ 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 यानी यानी कि कि ईयर तो वन ईयर का महापेक आपको दो हजार में, मतलब में मिलेगा जिसमें डिफेंस के सारे एग्जाम कवर होते हैं एफकेट सी डी एस एनडीए एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम हो गया आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो गया जितने डिफेंस के एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम की तैयारी आपको एक साल तक कराई जाएगी बिना किसी कॉस्ट के सबकी ई बुक्स आपको दी जाएंगी सबकी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी मात्र दो में एक साल के लिए और वही ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व टू ईयर्स दो साल के लिए मिल रहा है मात्र पच्चीस सौ रुपए में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में आपको टू ईयर्स की वैलिडिटी पर ये सब कुछ मिल रहा है जिसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं बहुत सारी बुक्स e हैं और सारे एग्जाम की प्रिपरेशन तो मिलेगी इसके लिए आपको एक कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा जब भी परचेज करना तो वाई टू सेवन फोर इस कूपन कोड को लगा लेना बहुत सारे से लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेज ऑलरेडी कर रखा है तो अगर आपके परिवार में आपके दोस्तों में कोई भी इच्छुक है तो उनको बता सकते हो कि आज मतलब बेस्ट डे है तो नॉर्मली आप परचेस कर सकते हैं ठीक है चलते हैं अपने सेशन की तरफ दोस्त और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं आ, बिल्कुल सेशन की तरफ चलते हैं आई होप सो आप सबने सेशन को शेयर कर दिया होगा सबको बता दिया होगा क्योंकि मेरे को बार बार क्लास के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता था मैं ये अभी जिनको ना पता उनको बता दूं कि भाई हम लोग प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं एफकेट के दस दिन दस पेपर जिसमें 10 जनवरी को हमने 2012 का पेपर किया था फिर 2013 का पेपर डिस्कस किया फिर 14 का पेपर डिस्कस किया फिर 15 का पेपर किया 16 का कर लिया आज हम लोगों ने 2017 का पेपर भी डिस्कस किया था सुबह दस बजे अब 18 का 19 का 20 का का 21 चार पेपर अभी बचे हुए इनको हम डिस्कस करने वाले आने वाले आने दिनों में तो रोज सुबह दस बजे ये क्लास होती है टेन ए पर यह क्लास होती है तो जो भी इसको अगर बाद में देख रहे हैं उनको टाइम नहीं पता है तो वो लोग जुड़ गए सुबह दस बजे बाकी जब भी मैं क्लास लेता हूं तो एक क्वेश्चन मेरे को हमेशा कॉमन देखने को मिलता है कि सर एनॉलॉगी के लिए क्या करें एनॉलॉगी के लिए क्या कर सकते हैं एनॉलॉगी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कोई ऐसी जड़ी बूटी हो कोई ऐसी कुछ मंत्र हो तो बताओ जिससे एनोलॉगी बेहतर हो जाए है ना तो बिल्कुल चलते हैं अपन और उसी चीज की तरफ और शुरुआत करते हैं एनोलॉगी के कॉन्टेक्स्ट uh, में बात करते हैं तो बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व वर्ड एनॉलॉजी वर्ड एनोलॉजी के लिए क्या मेरी पूरी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या मेरी मैं कौन से ट्रिक को अप्लाई कर सकता हूं कौन से टिप्स को अप्लाई कर सकता हूं वो सब मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा तो सिर्फ वर्ड एनोलॉजी पर ही बात करने आया हूं वर्ड एनोलॉजी पर ही बात करूंगा और बहुत कुछ देकर जाऊंगा इस सेशन में इस चीज का प्रॉमिस है मेरे दोस्त ठीक है चलेगा तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मेरे को बताओ वर्ड एनोलॉजी आने से पहले मुझे इतना बताओ एनॉलॉगी क्या होता है एनोलॉगी मतलब क्या है? एनोलॉगी कोई सब्जेक्ट एनोलॉगी किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक है व्हाट इज द एनोलॉगी एनोलॉगी है क्या एनोलॉगी का रियल मीनिंग क्या है अगर मैं वर्ड की बात करूं बताइए जल्दी से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोलॉगी एनोलॉगी का मीनिंग क्या लगाओगे बताइए भाई जय हिंद साहिल ना पता हो तो ना बोल सकते हो मेरे लाल शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना बोल दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा नहीं आता तो नहीं आता ओके okay, उसमें कोई इतनी घबराने गवर, वाले बुकैब सेम रिलेशन ओके okay? घबराए ही तुम यहां पर हो आ, कि तुमने एनालॉगी को वुकैब समझ लिया है एनालॉगी की सुई आकर वो कैप पर अटक गई यहीं से वो घबराहट का एक जन्म हो रहा है बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी मैं किसी दो चीजों के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं तो कुछ सिमिलरिटीज को देख रहा हूं जब मैं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं तो उनकी जो सिमिलरिटीज को देख रहा हूं समानता को देख रहा हूं वो क्या कहलाती है वो कोई वो सिमिलरिटीज का रिलेशन किसी भी चीज के बेस पर हो सकता है तो उसको एनालॉगी बोलते हैं उसको एनालॉगी बोलते हैं कि मेरा वन का रिलेशन अगर टू से बन रहा था तो जिस बेस पे वन का रिलेशन टू से बन रहा था उसी बेस पे थ्री का रिलेशन फोर से बनेगा तो वो आपकी कैटेगरी क्या कहलाती है एनोलॉगी कहलाती है एनोलॉगी इज नॉट लाइक अ वोकैब मतलब सिर्फ एक ओनली वोकैब नहीं बोल सकते आप एनोलॉगी का वोकैब उसमें आती है बट केवल वोकैब नहीं कह सकते आप एनॉलॉगी को एनालॉगी का मतलब है एनी सब्जेक्ट कोई एक अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है अब जब रिलेशन की बात है जब कंपैरिजन की बात है जब सिमिलरिटीज की बात है जब तुलना की बात है समानता की बात है तो मेरे दोस्त वो किसी भी चीज के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकती है क्या साइंस के अंदर सिमिलरिटीज नहीं हो सकती क्या साइंस के अंदर आपकी समानता नहीं हो सकती क्या आपकी जनरल अवेयरनेस के अंदर समानता नहीं हो सकती क्या आपकी इंग्लिश के अंदर सिमिलरिटीज नहीं हो सकती क्या हिंदी के अंदर सिमिलरिटीज नहीं हो सकती क्या मैथ्स के अंदर सिमिलरिटीज नहीं हो सकती अरे कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिमिलरिटीज ना होती हो मतलब एनीथिंग एनी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दो चीजों को अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे दो चीजों की अगर आप तुलना करने जाओगे तो उनमें समानता निकल के आएगी किसी ना किसी आधार पर है ना अब वो तुलना जब होती है तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस में आप अगर आप किसी क्वेश्चन को कर पाते हो या तो आप किसी क्वेश्चन को इसके सॉल्व कर पा रहे हो या आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसके पीछे की वजह क्या है अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब था कि आपको उस चीज की नॉलेज थी आपको उस चीज की नॉलेज थी अगर आप किसी चीज का आंसर नहीं कर पा रहे हो दैट्स मीन कि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं थी लैक ऑफ नॉलेज थी कोई और रीजन इसके पीछे हो ही नहीं सकता आप मुझे एक चीज बताओ मैंने किसी एक जनरल टर्म्स के आधार पर आपसे पूछ लिया मैंने कहा यूपी का रिलेशन बन रहा है लखनऊ से मैंने कहा यूपी का जो रिलेशन बन रहा है मेरे दोस्त वो बन रहा है आपका लखनऊ से ठीक है लखनऊ से तो मुझे इतना बता दो कि भाई पंजाब का रिलेशन किससे बनेगा यूपी का रिलेशन अगर लखनऊ से बन रहा है तो पंजाब का रिलेशन किससे बनेगा बताओ अगर यूपी का रिलेशन बन रहा है आपका लखनऊ से तो पंजाब का रिलेशन किससे बनेगा मेरे दोस्त यूपी क्या है लखनऊ क्या है यूपी की अरे यार लखनऊ यूपी की कैपिटल है मतलब क्या हुआ यहां पर मैंने जैसे ही देखा तो यूपी की लखनऊ क्या है कैपिटल है कैपिटल में आ जाएगी तो हमको क्या बताना है आपने कहा सर सीधे सीधे पंजाब की कैपिटल बता दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी मत देखो ऑप्शन भी मत देखो पंजाब की कैपिटल बता दो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ बता दो आंसर हो जाएगा बोलो हां कि ना। इस क्वेश्चन का आंसर सबने बता दिया क्यों बता दिया उसके पीछे की वजह ऐसा तो था नहीं कि रात भर रट्टा मारे हो इस चीज का कि सर सुबह ये पूछेंगे ऐसा किया था क्या अभी रट के आए थे कि सुबह अभी सर आके पूछेंगे कि यूपी का रिलेशन लखनऊ से बन रहा है तो पंजाब का बताओ किससे बनेगा ऐसा तो नहीं था ना लेकिन तुमको पता था कि यूपी की कैपिटल लखनऊ है पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है तुमने आंसर कर दिया इन केस कुछ ऐसा दे दिया जाता यहां मान लो कोई और स्टेट होती एनी और ये यूपी होती और उसकी कैपिटल दे रखी थी लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि यूपी की लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है तो तुम पंजाब का रिलेशन भी चंडीगढ़ से नहीं बना पाते तब तक जब तक तुमको वो चीज पता ना हो मतलब जब तक तुम्हारे पास उस चीज की नॉलेज ना हो लैक ऑफ नॉलेज जब तक आपको पता ही नहीं है तब तक चाहे कुछ भी पूछो हो वन प्लस वन टू भी पूछा अगर नहीं पता है तो नहीं पता है वहां कुछ नहीं किया जा सकता सो so, इसको करने का एक बेसिक बेसिक जो मूल मंत्र है वो क्या है मेरे दोस्त वो है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना है अब वो नॉलेज आप बढ़ाते हो तो आपने क्या किया जैसे आपने मान लो आपको काफी सारे से लोगों जो मैं मैं ऑब्जर्व करता हूं जब मैं पढ़ाता हूं तो मैंने ये देखा है कि जीएस से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है करंट से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है साइंस से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप लोग फटाक से कर देते हो अब फंसते कहां पर हो जाए इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप फंस जाते हो क्यों क्योंकि वहां वर्ड्स जो है वो आपके पास लिमिटेड हैं शब्द जो है वो आपके पास लिमिटेड है साइंस की टर्म्स कहीं ना कहीं पढ़कर आए थे पढ़ते थे जीए की टर्म्स याद कर रहे हो कि आई रहा है करंट में आ रहा है कि स्टेट आ रही है किसी की कैपिटल आ रही है किसी की करेंसी आ रही है किसी का कुछ पूछा जा रहा है वो याद कर रहे हो लेकिन दिक्कत यहां आ रही है कि वुकैब के लिए कुछ नहीं कर रहे हो क्लियरिटी ये है कि वुकैब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो है ना, so, इस चीज पे काम करना पड़ेगा जब इंग्लिश में फंसो जब इंग्लिश में फंसो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब कुछ टाइप ऐसे होते हैं जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि यार uh, करेंसी और कंट्री का बन सकता है रिलेशन किसी भी रिलेशन में कोई भी कंट्री और उसकी करेंसी पर रिलेशन बन सकता है।, है ना अब कोई भी कंट्री और उसकी आपकी कैपिटल पर रिलेशन बन सकता है ठीक है कोई भी करेंसी उसकी कैपिटल हो गई करेंसी हो गई या एनी जनरल टर, टर्म्स कोई भी हो सकती है ठीक है उसमें आपको कोई भी जनरल टर्म्स देखने को मिल सकती है अब इसके बाद क्या आता है कि साइंस की कोई भी टर्म्स हो सकती है इंग्लिश की कोई भी टर्म्स हो सकती है बहुत सारी चीज टर्म्स होती है चेक करने के विशेष पर अब इनको करने के लिए कुछ आपको जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठो तो क्वेश्चन को मत सॉल्व क्या करो उसके टाइप को समझा करो कोई भी रिलेशन दे रखो कोई वर्ड दिया उसका रिलेशन सेकेंड वर्ड से दिया तो सबसे पहले ये ये ऑब्जर्व करो यार टाइप क्या है क्वेश्चन का किस टाइप पर ये क्वेश्चन है क्या सिनोनियम का है क्या कोई साइंटिफिक टर्म्स दे रखी है क्या कोई रिलेशन uh, जो दे रखा है वो आपका एंटोनियम्स के व्याप पर दे रखा है करेंसी के व्याप पर है कैपिटल के व्याप पर है कोई गेम का रिलेशन है कोई जनरल वैसे ही कोई टर्म्स पूछ रखी है तो क्या रिलेशन बना के क्वेश्चन पूछा है पहले मेरे को उस वर्ड को क्लियर करना पड़ेगा जब तक मैं उस वर्ड पे नहीं जा सकता तब तक मैं नहीं जा सकता तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे को टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूंगा आज बहुत अच्छी चीज एक बहुत बहुत कीमती चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्त मैं कुछ टाइप्स लेकर आया हूं और उन टाइप्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आयु उनको याद कर लेना और उन्ही टाइप्स को रिलेट करके और वर्ड्स को बढ़ा लेना उसमें इतना कर लेना मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि एक न्यूज आता है दी हिंदू का है ना एक न्यूज आता है और इतना एक न्यूज़पेपर पेपर पंद्रह दिन चला सकते हो आराम से इजीली पर डे एक पेज उसका पढ़ा करो एक पेज की रीडिंग लगाओ एक पेज की रीडिंग लगाओ तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं कहा मैंने सिर्फ एक पेज की रीडिंग लगाओ उस एक पेज से जो भी सेवन टू एट नए वर्ड्स देखने को मिले जिनके मीनिंग नहीं पता थे सेवन टू एट नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे उन सेवन टू एट वर्ड्स को अपने एक कॉपी पे लिखो उनके एंटोनियम्स निकालो जितने भी होते हैं उनके सिनोनियम्स निकालो जितने भी होते हैं अगर ये प्रोसेस को तुमने पांच छह सात न्यूज पेपर तक कर लिया होता जो मैं पिछले डेढ़ महीने से कहता आ रहा हूं अगर उसको फॉलो कर रहे होते तो आप देखते कि सारे के सारे वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे होते जब भी तुम कोई शब्द देखते तुमको लगता है ये तो मैंने पढ़ा था ये तो उसका एंटोनियम्स में आता था ये तो उसके सिनोनियम्स में आता था ठीक है, so, इसके लिए मैंने कई बार बताया है बताया कि नहीं बताया अब वहां पे आपको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा एक चीज बताओ एक शब्द का एक एंटोनियम है, एक सिनोनियम तो होता नहीं है है ना एक वर्ड के मैंने माना पांच एंटोनियम से पांच सिनोनियम से पांच एंटोनियम है पांच सिनोनियम है मान लेता हूं उस एक वर्ड के एक शब्द के तो तुमने एक दिन में ग्यारह वर्ड तैयार कर दिए उस एक वर्ड से पांच एंटोनियम और पांच सिनोनियम और जिसमें से हो सकता है तीन एंटोनियम तीन सिनोनियम तुमको पहले से पता हो कि इसको यह भी बोलते हैं और इसको तो यह भी बोलते हैं और दो तो तीन तुम्हें नए तैयार हो जाएंगे तो तुमको जब भी कुछ वो वर्ड देखा करोगे तुम्हें उसके रिलेटेड सारे वर्ड्स मिल जाए करेंगे कि यार इसका मीनिंग ये होता था इसका सिनोनियम ये होता था तो कहीं ना कहीं उस चीज पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं काजल को आ, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वैक्सीन का या इंजेक्शन कोई बना हुआ है जिसको आप लगवाओगे और पेपर में आपके एकदम से सारे वो कैप के वर्ड्स निकलते चले जाएंगे मुंह से ऐसा पॉसिबल नहीं है ना काफी सारे लोग बोलते हैं मैं हिंदी मीडियम से था मैंने ये किया सर मैं हिंदी से हूं मैं कैसे करूंगा अरे हिंदी मीडियम वाले पता नहीं कितने हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया एस भी क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स किया एंड एंड वॉज वो ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं लेकिन उन्होंने काम किया उस चीज पर जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया नहीं आती इंग्लिश उसको उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन उस पर काम ना करने में दिक्कत कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती ओके लेकिन मैं इंग्लिश पे काम भी नहीं कर रहा हूं मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा उस चीज से कि मुझे नहीं आती तो क्या होगा रात को सोते हुए यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती बड़ा परेशान हूं इससे अगर इंग्लिश आ जाए तो बताओ सुबह उठोगे तो सारी आती होगी क्या नहीं आएगी वो रात जागना पड़ेगा बैठ बैठकर पढ़ना पड़ेगा तभी आएगी देखो आप कुछ वर्ड्स और कुछ टाइप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसके पहला है इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट एक टाइप ये होता है इस पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सेकेंड है क्वांटिटी और उनकी यूनिट कुछ क्वांटिटीज होती हैं और कुछ उनकी यूनिट्स होती हैं थर्ड वन होता है इंडिविजुअल और उसका एक कंप्लीटली ग्रुप एक इंडिविजुअल और एक कंप्लीटली ग्रुप ठीक है इसके बाद अगर अपन बात करें एनिमल और उनके यंग वन हो गए कुछ एनिमल हो गए कुछ उनके बच्चे हो गए उसके अलावा आपका आता है मेल और फीमेल का रिलेशन उसके अलावा आता है आपका इंडिविजुअल और क्लास का रिलेशन इंडिविजुअल और ड्वेलिंग प्लेस का रिलेशन स्टडी और उसका टॉपिक टूल और उसका एक्शन वर्कर और उसका वर्किंग प्लेस वर्कर और उसके टूल है ना वर्कर और उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट और उसका रॉ मटेरियल पार्ट और उसकी होल रिलेशन से वर्ड और उसकी इंटेंसिटी वर्ड और उसके सोनोनियम वर्ड और उसके एंटोनियम मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आपको टाइप्स देख रहे हैं इन पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेसिक तो आपको पता है कि करेंसी हो गई कि कंट्री हो गई कि उसका कुछ और नॉर्मल टर्म्स हो गई लेकिन उसके अलावा जो इनडायरेक्टली जिनको आप पकड़ नहीं पा रहे वो भी आपको देखने को मिलेंगे आपको लगेगा आपको उसका टाइप पहचानना पड़ेगा अगर आपको उस पर और काम करना है और इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सारे वर्ड्स के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मैं आपको शेयर कर रहा हूं देखो जैसे आपको फर्स्ट वन दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट का देख रखा है जैसे थर्मोमीटर है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई कि थर्मोमीटर से क्या मेजर करोगे टेम्परेचर मेजर अब वहां एनोलॉगी ऐसी दे देगा थर्मोमीटर टेम्परेचर आगे उसने एक और वर्ड लिखा होगा लाइक उसने लिख दिया होगा एनीथिंग एंड uh, कुछ भी ले लो जैसे टेस्टोमीटर दे रखा है टेस्टोमीटर ही लिख दिया टेस्टोमीटर अब करते रहो क्या करोगे अब इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ थर्मामीटर का टेम्परेचर से रिलेशन दे रखा है टेस्टोमीटर का बताओ अब बताओगे को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है अगर पता है तो विद इन सेकेंड आंसर बता दो कि बताओं नहीं पता है, तो बैठे हो कुछ नहीं कर सकते तो ये टर्म्स मैंने आपको दे रखी है इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसको डाउनलोड कर लेना और इसको याद कर लेना सारे वर्ड्स की दे रहा हूं इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के बाद आता है क्वांटिटी और उनकी यूनिट किस क्वांटिटी की क्या मास है तो किलोग्राम में होगा फोर्स है तो न्यूटन में होगा रेजिस्टेंस है तो ओम में होगी पोटेंशियल है तो वोल्ट में होगा करंट एम्पियर कितनी बार इस पर क्वेश्चन आता है करंट एम्पियर पे पावर वाट पे एरिया हेक्टेयर पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पे इन टर्म्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किस चीज की क्या यूनिट होती है वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है इंडिविजुअल और उनका ग्रुप एक इंडिविजुअल चीज और एक उसका कंप्लीट ग्रुप एक उसकी कंप्लीट रिलेशनशिप जैसे सोल्जर uh, और जब उस ग्रुप में सोल्जर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं आर्मी कहीं पर चार छह आठ दस बीस चालीस जब सोल्जर्स उतरते हैं आते हैं तो ये नहीं कहते सोल्जर्स आर्मी आई है यहां आर्मी बुलाई गई है आर्मी लगी है आर्मी खड़ी है क्यों ग्रुप ऑफ सोल्जर्स खड़े हैं सिमिलरली अगर आपका एनी अदर uh, दे रखे मैन इंडिविजुअल हो सकता है ग्रुप ऑफ मैन क्राउड सो ग्रुप्स एक सिंगल और एक उसका पूरा ग्रुप इस पर भी रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलते हैं एनिमल और उनके यंग बन जानवर उनके छोटे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से काव का जो बच्चा होता है गाय का जो बच्चा होता है इसको काफ बोलते हैं है ना कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर बोलते हैं डॉग का बच्चा होगा तो पपी लॉयन को कब मैन को चाइल्ड हॉर्स को पोनी शीप को लैम तो मतलब किसका बच्चे को क्या बोला जा रहा है उस पर भी देखने को मिल जाएगा है ना आगे आते हैं इसके बाद एनिमल और यंग वन के बाद आता है मेल और उनका फीमेल से रिलेशनशिप

कितनी बार कितनी जगह ऐसी होंगी जहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो चार ऑप्शन दे रखे एबीसीडी अगर आपने सही से पढ़ाई कर ली सही से उस चीज को एक बार ऑब्जर्व कर लिया तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना भी पता हो तो भी आपको यह पता होगा कि कौन से तीन आंसर नहीं होंगे कौन से तीन आंसर नहीं होंगे ठीक है उसके बाद आता है इंडिविजुअल उनकी क्लास एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक कंप्लीट उसकी क्लास से बिलोंग करता है लाइक like मंकी दे रखे तो मंकी किस क्लास से बिलोंग करेगा मैमल से बिलोंग करेगा मंकी मैमल से बिलोंग करेगा है ना स्नैक तो क्या होगा रेप्टाइल होगा व्हील है तो क्या होगा मेमल होगा लिजार्ड uh, है तो क्या होगा रेप्टाइल होगा मैन है तो क्या होगा मेमल होगा ऑस्ट्रिच है तो क्या होगा वर्ड होगा बटरफ्लाई है तो क्या होगा इंसेक्ट होगा और रेट है तो क्या होगा रोडेंट होगा अब कई बार इस पर क्वेश्चन ऑड वन आउट में भी देखने को मिल जाता है एनालॉगी छोड़ो ऑड वन आउट में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर आपको तीन दे देगा लाइक like व्हेल दे दिया मेमल होता है ठीक है मंकी दे दिया मेमल होता है. है ना और आपको मैन दे दिया मेमल होता है चौथा कुछ और दे देगा चौथा कुछ और दे देगा और आपसे बोलेगा ऑड वन आउट बताओ तो अगर आपको ये चीज आपने पढ़ रखी है आपको इस चीज की नॉलेज है कि ये तीनों के ये तीनों मैमल में, में आ जाएंगे तो आप डिफरेंट का क्या कर दोगे आंसर कर दोगे है ना तो आप उसको क्या कर दोगे आंसर कर दोगे तो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो आप चलते हैं इसके बाद की तरफ इंडिविजुअल उनका डॉलिंग प्लेस की एक इंडिविजुअल पर्सन है इंडिविजुअल कोई चीज है और वो क्या कर रही है वो एक किसी ना किसी जगह पर रह रही है किसी ना किसी जगह पर रहती है तो कहां से आपको ये मिलेगा सो so, देखो डॉग है केनल में होगा कैटल है तो शेड में होगी पोल्ट्री फार्म में होगा फिश एक्वेरियम में हॉर्स टेबल में बी एक्म में लोयन डेन में तो जो जहां रहता है वो उसका डेलिंग प्लेस कहलाता है उसका रहने का स्थान कहलाता है अच्छा स्टडी और उनके टॉपिक्स जैसे मैं एक बार अपने आप को हटा लेता हूँ थोड़ा सा शायद ज्यादा बेहतर दिख पाए आपको स्टडी और उनके टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो जैसे एंटोमोलॉजी है तो ये क्या होती है आपके स्नेक इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं कीट विज्ञान जो कीड़ों की स्टडी होती है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को, को, को बोलेंगे तो स्टडी और इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट वन आपका टूल और उसका एक्शन अब कौन से टूल का क्या एक्शन होगा क्या टूल है और उसका क्या एक्शन हर एक टूल का कोई ना कोई एक्शन है अभी आपके भी कोई, एक है, है ना? उसका भी कोई एक आपके पास एक कॉपी होगी तो उसका भी सिलना है क्या काम है क्या काम है प्योरीफाई करना पेन का क्या काम है लिखना स्पून का क्या काम है फीड करना गन का क्या काम है शूट करना तो हर एक टूल का अपना एक एक्शन है हर एक टूल का तो हर एक चीज के एक्शन के बारे में आपको बताओ वर्कर उनकी वर्किंग प्लेस हर कोई काम करने वाले का एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे वो काम करता है ऐसा नहीं कि हर कोई हर जगह पे काम कर लेगा है ना हर कोई हर जगह पे काम कर लेगा लाइक like शेफ है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल में देखेगा आपको शेफ मतलब किचन उसका काम करने की जगह क्या है किचन है है ना शेफ क्या किचन में काम करता है सिमिलरली अगर आपकी बात करूंगा वेटर वेटर कहां मिलेगा आपको यार रेस्टोरेंट में मिलेगा है ना टीचर होगा तो कहां मिलेगा स्कूल में मिलेगा गुड आफ्टरनून रवि लॉयर कहा मिलेगा कोर्ट में मिलेगा तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अपना एक काम करने का प्लेस होता है अपनी एक काम करने की जगह होती है जिसको वर्किंग प्लेस बोलते हैं देन आता है आपका वर्कर और उनके टूल हर वर्कर का एक काम करने का अपना एक टूल होता है वॉरियर है तो सोर्ड होगी तलवार होगी उसके पास टेलर है तो उसके पास में क्या मिलेगा आपको टेलर के पास आपको मिलेगी निडल सोल्जर के पास मिलेगी गन शेफ के पास नाइफ फॉर्मर के पास हल कारपेंटर के पास सौ मतलब हर एक पर्सन जो कोई ना कोई काम कर रहा है जहां भी काम कर रहा है वो किसी ना किसी चीज की सहायता से काम करता है उसी को क्या कहते हैं उसी को उसका वर्किंग टूल कहा जाता है गुड आफ्टरनून निकिता इसके बाद आता है आपका वर्कर और प्रोडक्ट हर एक वर्कर का अपना एक प्रोडक्ट है जिसको बना के तैयार कर रहे हैं मिसन होगा तो वॉल बना के तैयार करेगा करे टीचर होगा तो एजुकेशन करेगा शेफ होगा तो फूड करेगा जज होगा तो जस्टिस करेगा प्रोड्यूसर होगा तो फिल्म करेगा टेलर होगा तो कपड़े बनाकर तैयार करेगा है ना फार्मर तो है तो फसल होगा के तैयार करेगा पोएट है तो पोयम बना के तैयार करेगा मतलब हर किसी का अपना एक काम है हर किसी का अपना एक प्रोडक्ट है जिसको वो बना के तैयार कर रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट हम देखते हैं कोई तो उनको बना रहा है कोई तो उनके पीछे है तो हर प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको पता है कि कौन सा वर्कर किस चीज को बना रहा है नो इशू प्रोडक्ट और रॉ मेटेरियल अब जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सब के पीछे एक रॉ मेटेरियल होता है जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं रवि बिल्कुल मैं तो पिछले एक महीने से बोल रहा हूं दोस्त ये चीज है ना आ, जितने भी आ, आपके प्रोडक्ट बनते हैं उन सबके पीछे एक क्या होता है एक आपका प्रोडक्ट आप. के पीछे एक रॉ मेटेरियल होता है जिससे वो बनता है प्रिंस बनाना है तो ग्लास की आवश्यकता पड़ेगी है ना ज्वेलरी बनानी है तो गोल्ड चाहिए ऑमलेट बनाना है तो अंडा चाहिए सिंपल सा फंडा है वॉल बनानी है तो ब्रिक चाहिए मक्खन बनाना है तो दूध चाहिए वाइन बनानी है तो फिर पहले ग्रेप्स चाहिए तो हर एक चीज को बनाने के लिए एक रॉ मेटेरियल की आवश्यकता भी पड़ती है बाकी पार्ट और होल रिलेशनशिप जैसे एक छोटा सा पार्ट एक मेरे हाथ में पे पेन है पेन का छोटा पार्ट क्या होगा निव इसकी है, निव इसका छोटा पार्ट है कंप्लीट पार्ट किया पेन है सिमिलरली घर एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं लेकिन उसका एक छोटे पार्ट की बात करूं तो किचन उसका एक छोटा पार्ट हो गया कंप्लीट क्या हो गया घर हो गया तो हर एक चीज एरोप्लेन का कॉकपिट जहां पर पायलट बैठा होगा एक पूरा एरोप्लेन कंप्लीट हो गया तो मतलब हर एक जगह हर एक चीज के अंदर क्या होता है एक कंप्लीट uh, रिलेशनशिप उसकी बनती है इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो आपको वर्ल्ड और उसकी इंटेंसिटी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है क्योंकि इसमें ना ऐसा लगता है कि सारे सबके वर्ल्ड के मीनिंग सेम आ रहे हैं बट डिफरेंट होता है जैसे एंगर है रेज है एंगर की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेज बन जाएगा गुस्सा क्रोध क्वरल झगड़ा वॉर वॉर समझते हो ना लाइक जैसे दो पड़ोसियों के बीच में क्या बोलते हैं झगड़ा हो गया दो घर में भाई बहन के बीच में झगड़ा होता है वॉर इज लाइक क्या जब कंट्रीज के बीच में टकराव होता है तो वॉर हो गई युद्ध हो गया वो बड़े स्तर पर चली गई चीज तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई विश डिजायर इंटेंसिटी को बढ़ा देना मतलब उसकी अब कहीं ना कहीं जो एक इंटेंसिटी थी वो बहुत इंक्रीज कर दी गई So, इस चीज पर देखने को मिलती है फिर आता है वर्ड और सिनोनियम अब इसमें मैं दो तीन चार दस कुछ से काम नहीं चलेगा जितने वर्ड हैं हर एक वर्ड का एक, एक सिनोनियम होता है हर एक वर्ड का एक नहीं मतलब ज्यादा ही होते हैं और हर एक वर्ड का अपना एक एंटोनियम होते हैं सो so, इसके लिए मैंने बताया कि ये आपका बुकैप का पार्ट बनेगा लेकिन इसको आपको इंप्रूव करना है डे बाई डे आपको कुछ तो करना पड़ेगा आप ये सोच रहे हो कि चार क्वेश्चन लगा के दस क्वेश्चन लगा के अगर आपको ऐसा लगता हो मैं दो सौ क्वेश्चन आपको एनॉलोगी के करा देता हूं अगर आप मेरे को ये प्रॉमिस करते हो कि सर आप दो सौ करा दो उसके बाद मैं सारी एनोलॉगी कर लूंगा बोलो अगर आपको ऐसा लगता हो कि दो सौ क्वेश्चन तीन सौ क्वेश्चन चार सौ क्वेश्चन लगाने से सब समस्या दूर हो जाएगी उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा तो लगा लेते हैं अपन बैठ के एक दिन दो सौ तीन सौ चार सौ नहीं होगा मैं ये ये चीज मानता हूं कि हां उससे अंतर पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से बेहतर होंगी चीजें एग्री मैं इसके लिए सेशन लूंगा एनोलॉजी पे मैं सेशन लूंगा हंड्रेड प्लस डेढ़ सौ दो सौ जितने भी क्वेश्चन कर सकता हूं मैं सेशन लूंगा ट्राइ डेफिनेटली मैं सेशन लूंगा बहुत जल्दी लूंगा एक पेपर्स कंप्लीट करा के यही करवाने वाला हूं तो इसको लेके परेशान मत हो लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है कि क्या वो सिर्फ हंड्रेड क्वेश्चन सफिशियंट है नहीं है उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद भी करना पड़ेगा तो बाद में क्या करना पड़ेगा वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बस मैं बता रहा हूं ठीक है सो उसके लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो दोस्तों और कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा अब इसमें रह गया वर्ड एनालॉजी में कोई और दिक्कत हो तो बताओ इसके अलावा वो कैप का क्या, क्या करना है बता दिया मैंने टाइप्स कैसे आते हैं ये बता दिया मैंने जनरल साइंस के टर्म सारी चीजें मैंने डिस्कस किया अब कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो जल्दी से बताओ मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि मैं अभी आ, 100 प्लस क्वेश्चन जरूर कराऊंगा एनोलॉजी के अभी आपको कराऊंगा ये पेपर्स जो चल रहे हैं दस दिन में दस पेपर चल रहे हैं जिसमें हम रोज सुबह पेपर कर ही रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार ये 2021 तक के हम लोग टोटल पेपर लगा ले दो तक के हमारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे सुबह दस बजे जो हमारी क्लास चलती है उसमें तो मैं उसके बाद आपको ये जरूर कराने वाला हूं हंड्रेड प्लस एनालॉगी के क्वेश्चन भी लगवाऊंगा उस चीज के लिए परेशान मत हो लेकिन मेरे को यह बताओ और कोई समस्या हो इसमें तो बोलो थैंक यू सो मच सृष्टि ठीक है ठीक सो so, पीडीएफ को मैं यहाँ पे पिन अप भी करा दूंगा बाकी टेलीग्राम के ऊपर साहिल सर रीजनिंग पर मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे साहिल सर रीजनिंग पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो सर्च कर लो साहिल सर रीजनिंग मिल जाएगा आ, बाकी देखो दोस्त आर्मी डे स्पेशल है एफकेट का एक बैच भी आ रहा है सत्रह तारीख से और एक साल का महापैक मात्र उन्नीस सौ रुपए में मिल रहा है तो अगर किसी को इसका लाभ उठाना है तो उठा लो आज आज के लिए कल मत कहना फिर कि सर मिल नहीं रहा Okay, बहुत बार ऐसा होता है डीबी के बाद पूछते हैं सर डेवलवेलिटी कब आएगा तो वाई टू सेवन फोर कोड लगाना है और इतने सस्ते में महापैक इतने सस्ते में आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूं कि कैसे सारी चीजों को बात करनी है कैसे अपन इसको करना है क्या हो गया पीवाई तो चल रहे हैं मेरे लाल कहां रहते हो अब यह बताओ दोस्त पीवाई लगवा दो बताओ अब बाकी लोग बताओ इसमें कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है अब वही चीज हो जाती है अब पता है आज से दो दिन के बाद कोई ये भी पूछ रहेगा सर एनोलॉगी के लिए क्या करें क्यों क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तब है नहीं अब दोस्त मैं पीवाईक्यू पिछले लास्ट वीक मंडे से लगवा रहा हूं दस दिन में दस प्रीवियस ईयर के पेपर लगवा रहा हूं 2000 कब से लेके कब तक के दो हजार से लेके दो हजार तक के सारे पेपर में लगवा रहा हूं रोज सुबह दस बजे रीजनिंग के 2017 तक के पेपर हमने लगा भी लिए देख लो और रेगुलर हो जाओ जिसमें मैं आगे मंडे को फिर आपको सारी चीजें कराने वाला हूं ठीक है तो जिसने ना देखे हो, वो प्ले में इसको देख लेना प्ले में मिल जाएंगे प्ले में सारे पेपर है मिल जाएंगे प्ले भी ना मिले तो मेरे को साहिल सर रीजनिंग पे मैसेज कर देना मैं प्ले का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा देखो जाके पढ़ना पड़ेगा दोस्त ठीक है चलो बाकी अगर किसी को महापैक के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है महापेक में आपको बता दूं कैसे आपको परचेज करना है आपको सिंपली जाना है गूगल पे जैसे आप लोग गूगल चलाते हो किसी भी ब्राउजर के अंदर अपने आ, अगर मैं आपको बताऊं देखो मैं एक बार आपको शो करके दिखा देता हूं इसमें आई थिंक न्यू पेज शो नहीं हो रहा है एक बार मैं देख लेता हूं एक बार बता देता हूं आपको सिंपली क्या करना है आपको कुछ और पूछना हो तो बताओ एनीथिंग क्यों भी पूछ रहा बाकी देखो यार मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर डिफेंस की तैयारी के लिए आपको आपके परिवार में किसी को कुछ चाहिए तो वो वहां मैं सजेस्ट करता था अभी तक और आज के दिन वहां सबसे लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा है आपको सिंपली क्या करना है आपको गूगल पे जाना है गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप कर लेना है अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम जैसे ही आप अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम खोलोगे तो एक ऐसा होम पेज आपको दिख जाएगा इस ऐसे होम पेज के अंदर आप क्या करो आप चाहो तो यहाँ पे सर्च सर्च बार में सर्च कर लो डी एफ ई एन सी डिफेंस आ गया डिफेंस वहां और डिफेंस महापैक पे क्या करो क्लिक कर दो डिफेंस महापैक पे क्लिक करते ही ये आपके सामने आएगा जिसमें 107 सौ सात ई बुक्स मिल रही हैं तो आपकी किताबों की समस्या खत्म 450 वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट एक 24 मंथ वाला है एक 12 मंथ वाला है तो चाहो तो 12 महीने वाला ले लो चाहो 24 महीने वाला ले लो कितने एग्जाम कवर करेगा एफ एफकेट सीडीएस एनडीए सीएपीएफ एक्स वाई ग्रुप इंडियन नेवी टेरिटोरियल आर्मी इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी एम एन एस सेलर एंट्री मतलब सारे एग्जाम्स कवर होंगे इसके अंदर और इसको आप 12 मंथ का भी ले सकते हो आठ हजार छह सौ पिचानवे लेकिन आप व्यू ऑफर पे जाओ व्यू ऑफर पे जाने के बाद यहां पर अपना ईमेल आईडी एंटर करो जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको एंटर करना ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपसे बोलेगा कि एंटर कूपन कोड कूपन कोड आपको लगाना है वाई टू सेवन फोर वाई टू सेवन फोर वाई दो सौ चौहत्तर ये मत लगाना इस पर आपको सेवेंटी फाइव परसेंट ही डिस्काउंट मिलेगा बल्कि इस पर सेवेंटी एट परसेंट तो वाई टू सेवन फोर लगा के आपने कंटिन्यू किया Uh, एक सेकेंड मैंने शायद ओके नहीं अप्लाई नहीं किया था तो एक बार आपको कोड लगाना है वाई टू सेवन फोर और आपको अप्लाई करना है इस कोड पे आगे जैसे आपने अप्लाई किया तो मात्र वन नाइन 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 मतलब उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए में मिल रहा है वाई नाउ करके अपनी डिटेल्स को फिलअप करके आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो फिर भी कोई इश्यू आए तो आप बता सकते हो मेरे को होप्स कि क्लियर होगा सबको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो इसके बारे में पूछ सकते हो बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कोई समस्या आ रही हो महापैक के रिगार्डिंग या एनीथिंग क्लियर है ना चलेगा भाई थैंक यू सो मच सृष्टि थैंक यू सो मच सो होप सो सबको क्लियर होगा है ना आ, सरोज सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस पर बनते हैं ठीक है और चाहूं तो आप उसके लिए बुक्स परचेस कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू Uh, हमारे अड्डा टू फोर सेवन के थ्रू भी बुक आती है प्रीवियस क्वेश्चन की आप चाहो तो उसको परचेज कर लेना मिल जाएंगे ओके okay? चलिए तो थैंक यू सो मच एवरीवन नमस्कार प्रणाम हिंद मिलते हैं कल सुबह दस बजे शायद कल मैं क्लास ना लूं लेकिन मंडे को तो फिर रेगुलर रहूंगा तो मंडे को मिलते हैं दस बजे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच एवरीवन हिंद